नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें ओआरओपी रिवीजन के संदर्भ में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में सहमति हुई है। तो आइए देखते हैं इस पूरी खबर को संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स की राय जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूवर्स के पॉइंट हैं यानी कमेंट्स हैं कि प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे घर बनाने के लिए 2,67,000 रुपये की सब्सिडी कैसे मिलती है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का सालाना इलाज मुफ्त कैसे होता है, इस तरह की कई योजनाएँ हैं, उनका लाभ कैसे उठाएँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं पर वीडियो बनाऊं, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के मुख्य भाग पर। दोस्तों, दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई खबर के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन का होगा रिवीजन, ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदैव ही सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बात प्रधानमंत्री से हो चुकी है और सैन्य कर्मी पेंशन भोगियों की पेंशन ओआरओपी का रिवीजन सही समय पर यानी जुलाई अगले महीने में हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षा मंत्री पहले ही एक कमेटी का गठन कर चुके हैं ओआरओपी रिवीजन पर, और अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से वर्बल अप्रूवल ले लिया है हमारे भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के लिए ओआरओपी रिवीजन के संदर्भ में, जिससे सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ जवानों तथा फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा। रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अब वो पूरा ध्यान रक्षा मंत्रालय पर देंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, आपको तुरंत उसे अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।